हेलो फ्रेंड्स, सीजी मास्टर ग्रुप चैनल से मैं सुरुचि। सीजी मास्टर ग्रुप में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। मैं आपको एडोब एनिमेट सीसी के ट्यूटोरियल्स के बारे में बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एडोब एनिमेट सीसी में। आज मैं आपको मास्किंग के बारे में बताऊँगी। ओके, तो ये हमने एडोब एनिमेट सीसी ओपन कर रखा है। फुल एचडी मैं क्रिएट फुल एचडी के पेज को मैं क्रिएट कर लेती हूँ। ओपन हो गया है। ठीक है, तो आज मैं बताऊँगी मास्किंग। मैंने आपको टेक्स्ट एनिमेशन बताया था, मास्किंग। मास्किंग क्या होता है? किसी चीज़ को हाइड करना। हाइड करके एकदम से आती है, थोड़ा सा एनिमेशन इफेक्ट होता होगा, वो मास्किंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक टेक्स्ट लिख रही हूँ, जैसे कि मैं लिख लेती हूँ वेलकम। साइज मैं इसका थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसका कलर भी मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ कलर से। ये मैंने लिखा है वेलकम। अब मैं इसमें मास्किंग इफेक्ट डालूंगी। लेयर वन पे मैंने वेलकम लिख दिया है। अब मैं लेयर टू लेती हूँ। लेयर टू पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लेयर टू पर एक रेक्टेंगल बना लेती हूँ। इसकी आउटलाइन मैं डिलीट कर दे रही हूँ ताकि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो एनिमेशन करने में। ठीक है, अब मैं इसको 50 फ्रेम तक F6 प्रेस करके लेयर वन को बढ़ा लेती हूँ। इंसर्ट की फ्रेम आप कर सकते हैं या शॉर्टकट की है F6। ठीक है, और लेयर टू पे हमारी लेयर वन वेलकम जो टेक्स्ट लिखा है वो हो गया है। और लेयर टू ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं राइट क्लिक करके मैं इसमें शेप ट्विन दे दे रही हूँ। मैंने आपको शेप ट्विन के बारे में पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो मैंने इसमें शेप ट्विन डाल दिया है और इसका की फ्रेम मैं 40 तक ले गई हूँ। लास्ट की फ्रेम पे मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज प्रेस करके वेलकम को पूरा कवर कर दे रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे हमारा ऐसा है और जब चलेगा तो ये इस तरह से कवर होगा। ठीक है, अब देखिए मास्किंग इसमें कैसे करना है। लेयर टू पे गई और मैंने लेयर टू पर राइट क्लिक करके मास्क का ऑप्शन आता है, मास्क पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मास्क पे क्लिक किया, यहाँ लॉक लग गया और ये इस तरह का हमारा आइकन हो गया। और अब जब मैं प्ले करूँगी तो हमारा इस तरह का दिखेगा वेलकम। यानी कि जहाँ जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने रेक्टेंगल बनाया था जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ हमारा पार्ट टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, ये होती है नॉर्मल टेक्स्ट मास्किंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड करते हुए शो करना। थोड़ा सा ये एनिमेशन टाइप का भी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो ये तो था टेक्स्ट मास्किंग के बारे में। अब मैं इसमें अगर हम लॉक खोल देंगे, कोई हमें चेंजेस करने हो तो हम लॉक खोल के देखिए जैसे पहले था वैसी शो हो रहा है। यहाँ पर हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम फिर से लॉक लगा देंगे इस पर तो ये प्रीव्यू एक तरह से हमें इस तरह का दिखाई देगा। फ्रेंड्स, तो ये तो थी हमारी एक मास्किंग, नॉर्मल बेसिक मास्किंग जिसे हम टेक्स्ट मास्किंग पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसी पर ही एक और आपको मास्किंग का एग्जांपल बता दे रही हूँ ताकि आपको मास्किंग समझने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, अब हम किसी इमेज पे मास्किंग करते हैं। उसके लिए मैं फाइल पे गई, इंपोर्ट पे, इंपोर्ट टू स्टेज। स्टेज पे मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर ली है। इसका मैं साइज़ थोड़ा बढ़ा ले रही हूँ, यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच कर दिया। और ये ठीक है, ये मैंने वर्ल्ड मैप की एक इमेज डाउनलोड कर ली है। अब मैं एक न्यू लेयर लेती हूँ, इसके ऊपर सेकंड लेयर ली। इस लेयर पे मैं एक ओवल ड्रॉ कर लेती हूँ, एक सर्कल। जैसे ग्लोब में मैप चलता है तो उस तरह का मास्किंग इफेक्ट बनेगा। आउटलाइन मैं इसकी डिलीट कर दे रही हूँ, ये चीज़। ठीक है, अब मैं जो इमेज है हमारी, इस इमेज को मैं 50 तक F6 प्रेस करके की फ्रेम बढ़ाकर, और इमेज पे मैंने क्लासिक ट्विन डाल दिया है।
फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ और लास्ट पॉइंट पे मैं जाती हूँ, ये इमेज उठ के हमारी यहाँ पर आ जाए एनिमेट होते होते। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे थोड़ा सा इसे मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर दे रही हूँ ये चीज। ठीक है, इस तरह से ये प्ले होगी। क्लासिक ट्विन डाला है मैंने इमेज पे। अब जो हमारा सर्किल है, सर्किल पे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ राइट क्लिक करके सिर्फ मास्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दे रही हूँ। अब देखिए, जब मैं प्ले करूँगी तो सर्कल के अंदर हमारा जितनी इफेक्ट है, ऐसा लगेगा जैसे ग्लोब हमारा चल रहा है। हमें जो मास्किंग दिख रही है वो सर्कल के अंदर कहीं दिखेगी। ओके, तो मैं एक और इसका एग्जांपल आपको दिखा दे रही हूँ। मैं एक और इमेज इम्पोर्ट कर रही हूँ स्टेज पे, मास्किंग का ही ये नेक्स्ट एग्जांपल है। इसको मैं फिट कर ले रही हूँ स्टेज के अकॉर्डिंग। ये सारे एग्जांपल मैं मास्किंग के लिए इसलिए दिखा रही हूँ, मास्किंग हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर आपको एक दो एग्जांपल के रूप में दिखा रही हूँ। आप जैसे भी चाहें, कोई से भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी इसमें आप मास्किंग कर सकते हैं। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना, जिस लेयर पर आप मास्क लगाएंगे उस पर वो लेयर हाइड हो जाएगी, उसके नीचे वाली लेयर हमें शो होगी। मैंने इमेज ले लिया लेयर वन पे और इसे मैंने 85 फ्रेम तक F5 करके सर्ट की फ्रेम कर दिया है। अब सेकंड लेयर पे मैं एक लाइट टाइप का बना ले रही हूँ, जैसे रिफ्लेक्शन पड़ता है लाइट का। मैंने एक सर्कल से मैंने बना लिया है आउटलाइन, मैं इसकी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक लाइट का शेप दे रही हूँ। सॉरी, थोड़ा सा स्ट्रेच कर दे रही हूँ यहाँ से, कुछ इस तरह का। आप जैसा भी शेप बनाना चाहें, ठीक है, ये जैसे मैंने बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड जो लेयर है जिस पे लाइट बना है, इस पे मैं मोशन ट्विन लगाऊंगी। मोशन ट्विन के बारे में भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि यूज़ करते हैं, तो मैंने इस पे मोशन ट्विन लगाया है। अब मैं इसमें बीच बीच में की फ्रेम्स लगाऊंगी। लाइक मैंने 15 पे एक की फ्रेम लगाया F6 प्रेस करके, और मैं इसका जो ये हमारा रजिस्ट्रेशन पॉइंट है, इसको मैं ऊपर ले गई सेंटर पे। ठीक है, मैं लाइट को मूव कराऊंगी लेफ्ट और राइट। तो 15 पे मैंने लाइट को लेफ्ट साइड में कर दिया है 15 फ्रेम, और आगे करी मैं 30 पे F6 प्रेस करा मैंने, और उसके बाद मैं लाइट को सेंटर पे ले आई वापस। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आगे 45 फ्रेम पे F6 प्रेस किया और लाइट को अब मैं राइट साइड पे ले गई। फिर मैंने 60 पे F6 प्रेस किया, लाइट को मैं फिर से मिडल में ले आ रही हूँ। इस तरह से 75 पे मैंने F6 प्रेस किया और लाइट को मैं फिर से राइट साइड में ले जा रही हूँ इस तरह से, और लास्ट फ्रेम पर F6 प्रेस करके लाइट को मैं मिडल में ले आ रही हूँ ये चीज। अब मैं इस पे एनिम प्ले करके देखूंगी, तो अभी तो हमारा ये इस तरह से प्ले हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें मास्किंग लगाऊंगी तो हमें सिर्फ लाइट के अंदर जहाँ जहाँ लाइट जाएगी सिर्फ उतना ही बैक शो होगा, यानी कि बाकी सब हमारा हाइड हो जाएगा। ये है मास्किंग का। देखिए, मैंने सेकंड लेयर पे राइट क्लिक करके मास्क कर दिया है, और अब प्ले करके देखिए, ये देखिए, ये हमारा मास्किंग का है। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैंने आपको मास्किंग इफेक्ट बताया है। इसका एक एग्जांपल मैं अपनी अगली वीडियो में डाल रही हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।